नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप स्टेटस सेवर ऐप को अपने मोबाइल में कैसे यूज़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि स्टेटस सेवर ऐप को अपने मोबाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और गाइस किसी के भी व्हाट्सअप स्टेटस को सिर्फ एक क्लिक में आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, और गाइस आपको ऑल पर सेट कर लेना, इससे आने वाली हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो कि स्टेटस सेवर ऐप को हम अपने मोबाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और किसी के भी व्हाट्सअप स्टेटस को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो सबसे पहले गाइस आपको जो है प्ले स्टोर से स्टेटस सेवर ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है स्टेटस सेवर ऐप, और गाइस आपको इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जी गाइस आप देखते हो इस एप्लीकेशन की अभी जो है 5 करोड़ डाउनलोड यहाँ पर जो है कम्प्लीट हो चुकी है। और गाइस इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस एप्लीकेशन का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, और गाइस यहाँ पर स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको ऊपर के और व्हाट्सअप स्टेटस देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ गाइस, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट है, आपके जितने भी फ्रेंड्स ने यहाँ पर व्हाट्सअप स्टेटस रखा है, यहाँ पर आपको सभी व्हाट्सअप स्टेटस देखने को मिल जाएंगे। और गाइस आप जिस भी व्हाट्सअप स्टेटस को डाउनलोड करना चाहते हो सिंपली आपको उस स्टेटस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है स्टेटस प्ले हो जाएगा। इसके बाद गाइस अगर आप इस स्टेटस को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए सिंपली गाइस आपको नीचे की ओर डाउनलोड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ से आप जैसे डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो गाइस ये स्टेटस आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको व्हाट्सअप और शेयर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हो तुम्हारा जो स्टेटस है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। और इसके बाद गाइस आप अपने मोबाइल की गैलरी में से स्टेटस को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर सेट कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप किसी के भी व्हाट्सएप स्टेटस को सिर्फ एक क्लिक में आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे कैटेगरी वाइज व्हाट्सएप स्टेटस देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आप जिस भी कैटेगरी के व्हाट्सएप स्टेटस को यहाँ से आप डाउनलोड करना चाहते हो, अपने व्हाट्सएप पर सेट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप किसी भी व्हाट्सएप स्टेटस को यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टेटस वीडियोज़ देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो है डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन से जितने भी व्हाट्सअप स्टेटस डाउनलोड करोगे यहाँ पर आपको सारी लिस्ट देखने को मिल जाएंगी। और इसके बाद गाइस यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इस एप्लीकेशन की सेटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप व्हाट्सअप स्टेटस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हो। और गाइस आप किसी के भी व्हाट्सअप स्टेटस को सिर्फ एक क्लिक में आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपने मोबाइल की गैलरी में डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना।